से एक बात, ये आपको वार्निंग दे दूं सलमा, ये जो लाइबा है ना हमारी, इसको हल्की चीज पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरे ही जरा सीम आ गए हैं इसमें। किसी भी दुकान में जाती है, जो सबसे महंगी चीज होती है वही पसंद आती है, उसी पर हाथ रखती है। इतना समझाया मैंने इसको कि अभी चंद दिनों में, चंद महीनों में शादी होने वाली है, अभी इतना महंगा जोड़ा ना बनवाओ। बट नहीं, जो पसंद आ गया वही चाहिए। लाडली है ना, वालिद की भी और भाइयों की भी। कहकशां, शेख साहब की तरह अनवार भी दिल के बहुत सखी हैं। अब बच्चों की छोटी छोटी सी फरमाइशों पर लाखों रुपया उठा देते हैं और पलटकर पूछते भी नहीं है कि कहाँ खर्च किया। आपको अंदाजा हो जाएगा, आप खुद ही देख लेंगी। अंदाजा तो मुझे हो रहा है। मेरी समझ है ना दिलारा, वो बता रही थी कि शायद आप लोग को बहुत पुराना जानती हैं। डिफेंस शिफ्ट होने से पहले शायद आप लोग नॉर्थ या जौहर कहीं रहते थे, कुछ सही से याद नहीं आ रहा क्या कहा था। मगर मैंने यकीन नहीं किया। भई है तो मेरी समधन, लेकिन बड़ी शेखी खोर हैं। और अब लाइबा का रिश्ता इतने ऊंचे घराने में हो रहा है, वो बात ही बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो लगी बातें बनाने। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, मैं और हरीम बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे, हमारा डिनर पे इंतजार मत कीजिएगा, लेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जाओ एंजॉय करो जाकर, बल्कि मेरी बहू को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करवाना है। श्योर। खुदा हाफिज। थैंक यू। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहकशां, भई आपकी बहू तो बहुत ही खूबसूरत, बादब, सलीखामंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहू। आप हलवा ट्राई करें ना सलमा, खालिस देसी घी में बना है, और अखरोट तो मैंने खास पेशावर से मंगवाए हैं इसके लिए, हमारी खानदानी रेसिपी है। लाइबा बेटा, दोनों आंटी को जी ट्राई कीजिए, हमारे खानदान की खास रेसिपी से बनाया गया, ट्राई कीजिए। थैंक यू। मैंने तो लाइबा को सारी फैमिली रेसिपी सिखा दी है, अब ससुराल जाके हमारी नाक ना कटवाना।